हेलो दोस्तों, इंडिया किचन में आपका स्वागत है। आज हम गुड़ ले लिया है 300 ग्राम। आज गुड़ का मिठा पूरी बनाने वाले हैं हम। और गुड़ खाना बहुत हेल्दी होता है, गुड़ खाना चाहिए, चीनी से भी बेहतर गुड़ होता है खाने के लिए। तो आज हम मिठा पूरी बनाएंगे। एक टोप ले लिया है, इसमें सारा गुड़ ट्रांसफर कर देंगे। एक गिलास पानी डाल देंगे और गुड़ का पानी तैयार करेंगे। थोड़ा गैस पे गर्म कर देते हैं। हमारा गुड़ का पानी तैयार है, ठंडा हो चुका है। हमने इसको गैस पे थोड़ा सा हल्का सा गर्म किया है। तो हमारा गुड़ का पानी तैयार ठंडा हो चुका है। अभी हम इसमें ट्रांसफर करेंगे, थोड़ा छान लेंगे, जो भी कचरा रेशा गुड़ में रहती है तो निकल जाएगी। पानी साइड में ले लेते हैं। 2 कप हमने गेहूँ का आटा लिया है, इसमें अभी हम सफ़ेद वाला तिल लिया है, ये तिल मिला देंगे। एक चम्मच इलायची पाउडर लिया है, ये भी डाल देंगे। तेल को हमने गुनगुना गरम कर लिया है, 2 चम्मच तेल डालेंगे। अभी इसको सारे मिक्स कर देंगे। अभी इसमें जो गुड़ का पानी हमने किया है, वही गुड़ का पानी से हम आटा गूंदेंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। देख सकते हो हमारा आटा गूंद के तैयार है। थोड़ा सा तेल डाल देते। और 10 मिनट के लिए इसको ढक्कन लगा के रख देते। 10 मिनट हो चुका है, अभी हम हमारा डो बन के तैयार है। अभी इसका हम पूरी बनाएंगे। चार भाग में बांट लेंगे। थोड़ा इसको चिकना कर देंगे तेल लगा के। ऐसा रोटी बनाएंगे। देख सकते हैं आप, मैंने रोटी बना के तैयार कर दी है। ज़्यादा जाड़ा नहीं, ज़्यादा पतली नहीं है, मीडियम साइज रखा है। अभी हम एक गिलास ले लेंगे, इसकी सहायता से कट करेंगे। Thank you.
फिर हम ये नोकदार ये ले लिया है चम्मच, इसे हम इसको थोड़ा थोड़ा खंडा बनाएंगे। आटा साइड में कर देंगे। एक एक पूरी देख सकते हैं हमारी पूरी, गुड़ वाला पूरी मीठा बनके तैयार है। ऐसा पूरी, सारी पूरी हम इसी तरह बना के तैयार कर देंगे। हमारी पूरी सब बेल के तैयार है, देख सकते हैं आप, बहुत एक ही साइज की हम पूरी बनाई है। अभी इसको हम डीप फ्राई करेंगे। गैस ऑन करके तेल रखा है मैंने कढ़ाई में, देख सकते हैं आप मेरा तेल गर्म हुआ का नहीं देख रहे हैं। थोड़ा सा डो डाल के देखेंगे, हमारा तेल गर्म हो चुका है, बुलबुले निकल रहे हैं, ज़्यादा गर्म नहीं चाहिए, मीडियम तेल है। अभी हम पूरी डालेंगे। गुड़ का पूड़ी मीठा आज बना रहे हैं हम। आप देख सकते हैं गुड़ बहुत खाने में हेल्दी होता है, और डीप फ्राई कर रहे हैं पूड़ी को। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। और देख सकते हो आप, वीडियो बनाने के लिए बहुत मेहनत लगती है। अभी हम पलटी मारेंगे, एक एक पूड़ी ऐसा पलट देंगे। देख सकते हैं हमारी पूरी फ्राई हो चुकी है। अभी इसको हम निकाल देते ऐसे ही पूरी सारी फ्राई कर लेंगे एक जैसी, और डाल देते तेल। हमारा ज़्यादा गर्म नहीं चाहिए, मीडियम चाहिए, नहीं तो अंदर से कच्ची रह सकती है। हमारी सारी मटरी फ्राई हो चुकी है, देख सकते हैं आप, लास्ट है। अभी निकाल देते हैं इसको। बहुत अच्छी और मस्त बनी है। खाने के 2-3 घंटे के बाद भूख लगती है, तो चाय के साथ आप खा सकते हो, बहुत अच्छी लगती है खाने में, देख सकते हो आप।